एक बात जो कही कि देखिए हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा रहा था, लॉकडाउन ना होता तो और स्थितियां विभत्स होती। पहली बार हमने लॉकडाउन इसीलिए तो लगाया था कि हम पूरी तरह इक्विप्ड हो जाएं। मतलब हम ये गारंटी नहीं ले सकते कितनी भी वेव्स के बाद कि अब हम पर्याप्त इक्विप्ड हो गए। देखिए ऐसा है कि अगर आप पुराने वेव को देखें उसके बाद जो भी हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, जो टेम्पररी बनाया था, वो हमने जल्दी से जल्दी डिसमेंटल कर दिया। आपको याद होगा हम लोगों ने क्वारंटाइन रेलवेज के अंदर बनाए थे, कुछ टेंट्स में बनाए थे, उसको बहुत जल्दी डिसमेंटल कर दिया। हमने सेकेंड वेव के बारे में सोचा ही नहीं था, और जो भी आशंकाएं थी और जो लोगों ने कहा था तो वी टुक इट लाइटली। और जो सेकेंड वेव आया इसमें काफ़ी डेथ्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा परिवार नहीं हुआ जिसकी जान पहचान में कोई डेथ ना हुई हो। तो अभी थर्ड वेव की आशंका जरूर है, लेकिन मैं कहूँगा अपने आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर से या जितने मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी से, कि अभी हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी टेम्प्ररी बन रहा है उसको बनाते रहें। अभी इसको ये सोच के कि आज 2 लाख केसेस आ गए हैं, कम हुए हैं, मुझे इसमें कुछ एक बात और भी लगती है, कुछ RT-PCR टेस्ट कुछ प्रदेशों में कम भी हो पाए हैं। डॉक्टर विवेक एक बात मुझे समझाइए, उस समय जबकि ये केसेस एकदम नीचे चले जाएं, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने तैयार किया होता है, ये अनुमान लगाते हुए कि ज्यादा पेशेंट्स आ सकते हैं, गंभीर पेशेंट्स भी आ सकते हैं, उसको सस्टेन करना, उसको लेकर चलते रहना कितने दिनों तक बुद्धिमत्तापूर्ण माना जाएगा? क्योंकि अगर आप उसको बहुत समय तक सस्टेन करते हैं, पेशेंट्स के हिसाब से वो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और पेशेंट्स कम आ रहे हैं, कितने दिनों तक आप उसको लेकर चलते रहेंगे ये मानते हुए कि अभी हमको इंतजार करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए? देखिए कम से कम इसको 6 महीना, कारण बता दूं आपको, क्योंकि ये जो थर्ड वेव की आशंका है और जो बच्चों में आने की उम्मीद है या नहीं आए, भगवान चाहेगा तो नहीं भी आएगी, मैं तो बहुत ही रिलीजियस आदमी हूँ, लेकिन होगा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में 2-3 होती है। एक तो होता है जो कि बेड्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, ऑक्सीमीटर होता है, दूसरा होता है हेल्थ केयर फैसिलिटी, डॉक्टर्स नर्सेज। अब डॉक्टर नर्सेज और हेल्थ केयर को कम कर दीजिए, जैसे आपका 1000 बेड का आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो उसके अंदर अगर 200 बेड पेशेंट्स हैं तो 200 के हिसाब से रखिए, बट यू डोंट रिमूव देम, क्योंकि इमिजिएटली आप हेल्थ केयर सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। आप डॉक्टर्स और नर्सेज और आयुर्वेदिक डॉक्टर या होम्योपैथिक डॉक्टर जो मिलकर काम करेंगे वो ला सकते हैं इसको। अभी इस एंड ऑफ द ईयर तक वी कैनॉट बी सिटिंग लाइटली, वी हैव टू बी ऑन द एज एंड वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। डॉक्टर विवेक क्या कह रहे हैं कि 6 महीने तक तो आपको ये चलाना चाहिए, बेशक आपको दिख रहा हो कि केसेस अभी उतनी रफ्तार से नहीं आ रहे हैं, और उसके पीछे उन्होंने एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।